सुपर क्वाइलिंग से। द टर्म सुपर क्वाइलिंग मीन्स लिटरली द क्वाइलिंग ऑफ अ क्वाइल। क्वाइलिंग ऑफ अ क्वाइल कहने का मतलब है कि डीएनए ऑलरेडी क्वाइल्ड फॉर्म में होता है। डीएनए के किसी फॉर्म की बात करें, जैसे कि ए फॉर्म, बी फॉर्म, जेड फॉर्म या सर्कुलर डीएनए, कोई भी डीएनए यदि देखें तो सब ऑलरेडी क्वाइल्ड है। कुछ राइट हैंडेड फैशन में क्वाइल होते हैं, कुछ लेफ्ट हैंडेड फैशन में क्वाइल होते हैं, लेकिन डीएनए ऑलरेडी क्वाइल्ड होते हैं। और यदि इस क्वाइल्ड डीएनए को और क्वाइल किया जाए या इसे हम लोग रिलैक्स करें, मतलब किसी भी तरह से अगर इस ओरिजिनल फॉर्म, इस रिलैक्स्ड फॉर्म ऑफ डीएनए को चेंज करें, तो इसे ही हम लोग टर्म देते हैं सुपर क्वाइलिंग। जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डीएनए है उसके लिए हमारे पास टर्म है रिलैक्स्ड डीएनए। यानी इस रिलैक्स्ड डीएनए को हम किसी भी तरह से चेंज करें, या रिलैक्स्ड डीएनए को और अधिक क्वाइल करके चेंज करें, या हम इसके क्वाइलिंग को कम करके चेंज करें, किसी भी तरह से चेंज करेंगे तो इसके लिए हमारे पास एक नया टर्म है सुपर क्वाइलिंग। सुपर क्वाइलिंग एक्चुअली में एक मैनिफेस्टेशन है स्ट्रक्चरल स्ट्रेन का। सुपर क्वाइलिंग होता कब है? जब मॉलिक्यूल सुपर क्वाइलिंग अकर्स व्हेन द मॉलिक्यूल रिलीव्स द हेलिकल स्ट्रेस बाय ट्विस्टिंग अराउंड इटसेल्फ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डीएनए जब क्वाइल्ड होता है तो एक स्ट्रैंड डीएनए, चूंकि डबल स्ट्रैंडेड है, तो एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड को कितनी बार क्रॉस किया यही बताता है ट्विस्ट नंबर। जैसे कि इसमें यदि एक बार यहाँ पे दो तीन तीन बार क्रॉस किया तो इसका ट्विस्ट नंबर हो जाएगा 3। ये सब और भी डिटेल में हम लोग देखेंगे। पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग में क्या होता है कि ये ट्विस्ट बढ़ जाता है और ज़्यादा सुपर क्वाइल्ड हो जाता है वो। निगेटिव सुपर क्वाइलिंग में ट्विस्ट नंबर घट जाता है। कैसे ये सब चेंजेज होते हैं, कैसे ट्विस्ट नंबर बढ़ता है घटता है, और पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग निगेटिव सुपर क्वाइलिंग, इन सब को भी हम लोग अभी देखेंगे। जैसे कि ये हमारा कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए है, ये सर्कुलर डीएनए है। इस सर्कुलर डीएनए को यदि जिस फैशन में ये क्वाइल्ड है उसी फैशन में और यदि हम इसे टाइट करते जाएं, जैसे इसे हम टाइट कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग इसमें बढ़ रहा है, ये सब और ज़्यादा क्वाइल हो रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इसे और ज़्यादा क्वाइल्ड करते जा रहे हैं। जैसे ये स्टेटमेंट है, व्हेन द डीएनए हेलिक्स हैज द नॉर्मल नंबर ऑफ बेस पेयर पर हेलिकल टर्न इट इज़ द रिलैक्स्ड स्टेट। नॉर्मल बेस पेयर कितना है? जैसे कि हम जानते हैं बी डीएनए में जो एक बेस पेयर टर्न है, सिंगल बेस पेयर में, जैसे कि बी डीएनए में जो वन हेलिकल स्ट्रैंड होता है, इस वन हेलिकल स्ट्रैंड में 10.5 बेस पेयर पाए जाते हैं। तो जो नॉर्मल बेस पेयर टर्न है, जो नॉर्मल बेस पेयर होते हैं, ये रिलैक्स्ड स्टेट में हमको मिलते हैं। यदि हेलिक्स को ओवर ट्विस्ट करें या हम कहें कि पॉजिटिव सुपर क्वाइल कर रहे हैं, तो ये और ज़्यादा टाइट हो जाएगा और जो नंबर ऑफ बेस पेयर टर्न हैं पर हेलिकल टर्न, वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। दोनों ही केस में, यदि वो उसे हम अंडर ट्विस्ट कर रहे हैं या ओवर ट्विस्ट कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल नंबर है बेस पेयर का पर टर्न, वो चेंज हो जाता है। नोटिस दैट चेंजिंग द ट्विस्ट फॉर्म, जो ट्विस्ट फॉर्म चेंज हो रहा है, रिलैक्स्ड स्टेट रिक्वायर्स एडिंग एनर्जी एंड इंक्रीज द स्ट्रेस अलोंग द मॉलिक्यूल। ये जो कुछ भी हम इसे ओवर ट्विस्ट या अंडर ट्विस्ट कर रहे हैं, तो इससे मॉलिक्यूल के ऊपर स्ट्रेस इंक्रीज होता है, स्ट्रेस गेट इंक्रीज्ड। पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग इज द राइट हैंडेड डबल हेलिकल फॉर्म ऑफ डीएनए। इट इज ट्विस्टेड टाइटली इन अ राइट हैंडेड डायरेक्शन अंटिल द हेलिक्स क्रिएट्स नॉट। यदि हम बी डीएनए की बात करें जो कि राइट हैंडेड फैशन में क्वाइल्ड होता है, ये राइट हैंडेड डीएनए को यदि हम राइट डायरेक्शन में ही अगर रोटेट करते जाएं, तो क्या होगा? क्वाइल इंक्रीज करते जाएगा, और इसे ही हम लोग पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग कहेंगे।
लेकिन यदि ये बी डी एन ए है जो कि राइट हैंडेड फैशन में रोटेटेड होता है, अगर तो इसे हम लेफ्ट कॉइल करने लगें तो क्या होगा, इसके कॉइल के नंबर कम होने लगेंगे और इसे हम लोग निगेटिव सुपर कॉइलिंग कहेंगे। तो जैसे कि ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में राइट हैंडेड फैशन के डीएनए को हम राइट हैंड में ही रोटेट कर रहे हैं, तो ये और ज़्यादा कंडेंस होते जाएगा, जबकि निगेटिव सुपर कॉइलिंग में ये कंडेंस नहीं होगा, ये डीकंडेंस होने लगेंगे। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स यूजुअली हैव निगेटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए, दोनों में ही निगेटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए होता है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में निगेटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए होता है और यह निगेटिवली सुपर कॉइल्ड सोलेनोइडल और प्लेक्टोनोमिक। सोलेनोइडल एंड प्लेक्टोनेमिक किसी भी तरह का हो सकता है। प्लेक्टोनोमिक सुपर कॉइलिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए, ये प्रोकैरियोटिक डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। वेयर एज सोलेनोइडल सुपर कॉइलिंग इज टिपिकल फॉर यूकैरियोट्स। During the process of cellular events like replication and transcription, DNA strand needs to be separated from each other. कोई भी मोलिकुलर इवेंट है जैसे कि replication, transcription, इसमें DNA के स्ट्रैंड को अनवाइंड करते हैं। जब तक अनवाइंड नहीं करेंगे तो ये कोई भी प्रोसेस जैसे कि replication और transcription का पूरा हो ही नहीं सकता। Once the DNA strand needs to be separated from each other at that location, ट्विस्ट नंबर गेट्स रिड्यूस्ड। तो जब हम उसे अनवाइंड करेंगे तो ट्विस्ट नंबर कम होने लगता है। दिस क्रिएट टेंशन इन डीएनए सो दैट विथ इज फॉर्म्ड टू कंपनसेट टू द टेंशन इन द स्ट्रैंड। जैसे कि एक टर्म है मेरे पास लिंकिंग नंबर, जिसे हम एल के से इंडिकेट कर सकते हैं, ये इक्वल टू होता है ट्विस्ट नंबर प्लस विथ नंबर के। ये लिंकिंग नंबर एक टोपोलॉजिकल क्वान्टिटी है जो कि किसी भी फॉर्म ऑफ डीएनए के लिए एक तरह का फिक्स्ड क्वांटिटी है। कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए का बात करें, अगर उसके इंड टाइड हैं तो ये लिंकिंग नंबर टोपोलॉजिकल क्वांटिटी है जो कि फिक्स रहता है। तो अगर ये लिंकिंग नंबर की क्वांटिटी फिक्स हैं, तो जैसे सपोज करते हैं लिंकिंग नंबर यदि 10 है और ये ट्विस्ट नंबर 8 है और इथ नंबर 2 है, यदि तो हम कह रहे हैं कि ट्विस्ट नंबर घट गया 7 या 6 हो गया और ये क्वांटिटी लिंकिंग नंबर का फिक्स है, इसका मतलब ये है कि विथ नंबर चेंज हो जाएगा, अब 2 नहीं रहेगा अब 4 हो जाएगा। यही सेम केस यहाँ भी इसी लॉजिक से हम समझेंगे, अगर ट्विस्ट नंबर रिड्यूस हो जाता है तो दिस क्रिएट टेंशन इन द डीएनए सो दैट विथ इज फॉर्म्ड टू कंपनसेट फॉर द टेंशन इन द स्ट्रैंड। तो विथ इंक्रीज होगा और इसको कंपनसेट करेगा लिंकिंग नंबर को। Some enzymes like topo isomerase can relieve the stress, thus reducing the linking number. Linking number को reduce बस phosphodiester bond को break करके ही किया जा सकता है, दूसरे किसी भी method से linking number को change नहीं किया जा सकता। Linking number तभी change होता है जब phosphodiester bond का breakage होता है, और phosphodiester bond जैसा कि हम जानते हैं कि एक nucleotide दूसरे nucleotide से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा ही अटैच्ड रहता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज दैट बॉन्ड विच एक्चुअली ज्वाइंस द न्यूक्लियोटाइड्स विथ वन अनदर, और इस न्यूक्लियोटाइड के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम है वो है टोपो आइसोमरेज। तो टोपो आइसोमरेज के एप्लीकेशन से ही हम लिंकिंग नंबर के नंबर को, लिंकिंग नंबर को रिड्यूस कर सकते हैं। ये टोपो आइसोमरेज दो तरह के होते हैं, टोपो आइसोमरेज 1 और टोपो आइसोमरेज 2। ये इनके फंक्शंस के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है कि ये कैसे जो है लिंकिंग नंबर को चेंज करते हैं, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है उसमें से कितने स्ट्रैंड को ये कट कर पा रहे हैं। तो फिर आगे हम लोग देखेंगे कि टोपो आइसोमरेज 1
केवल एक स्ट्रैंड को क्लीप करता है, जबकि टोपोआइसोमरेज 2 दोनों ही स्ट्रैंड्स को क्लीप करने की कैपेसिटी है इसके में। और केवल टोपोआइसोमरेज के एप्लीकेशन यानी कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के ब्रेकेज से ही हम लिंकिंग नंबर को चेंज कर सकते हैं, नहीं तो लिंकिंग नंबर एक टोपोलॉजिकल क्वांटिटी है जो कि फिक्स्ड रहता है। चेंज जो होते हैं वो ट्विस्ट नंबर और विथ नंबर होते हैं, जो आपस में कंपनसेट करके लिंकिंग नंबर को मेंटेन रखने का काम करते हैं। लिंकिंग नंबर, द नंबर ऑफ टाइम्स द टू स्ट्रैंड्स आर इंटरवाइंड, इट इज ऑल्सो द नंबर ऑफ क्लिप्स नेसेसरी फॉर सेपरेटिंग द टू डीएनए स्ट्रैंड्स, इट विल बी कॉन्स्टेंट। ट्विस्ट, इट इज मोस्ट इजली इमेजिन्ड एज द नंबर ऑफ टाइम्स ईच ऑफ द कर्व रोटेट्स अराउंड द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द डबल हेलिक्स, यानी एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड को कितनी बार रोटेट किए हुए, कितनी बार पास किए हुए है, इसी से ट्विस्ट नंबर पता चलता है। रिथ क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स द सेंट्रल एक्सिस सी मेक्स लूप अबाउट इट सेल्फ, एक्चुअल में यह सुपर क्वाइलिंग को इंडिकेट करता है कि क्वाइल्ड क्वाइल कितनी बार और क्वाइल हो रहा है, इससे पता चलता है रिथ नंबर। जनरली ये पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग में हम लोग प्लस वन या प्लस टू कर देते हैं ट्विस्ट नंबर में तो रिथ नंबर हो जाता है, और निगेटिव सुपर क्वाइलिंग के केस में माइनस वन या माइनस टू, जितनी अगर वो जितनी बार सुपर क्वाइल हो रहा होता है उस हिसाब से हम रिथ नंबर रख के वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये मेरा वैल्यू है एल के इजकल टू टी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आर, एल के मीन्स लिंकिंग नंबर, टी डब्ल्यू इज द ट्विस्ट नंबर एंड डब्ल्यू आर इज द रिथ नंबर। लेट अस से द एल के इज 9, टी डब्ल्यू इज द सेम इन केस ऑफ रिलैक्स स्टेट। रिलैक्स स्टेट मीन्स ये ओरिजिनल फॉर्म में डीएनए है तो हम उसके रिलैक्स स्टेट कहते हैं, कोई सुपर क्वाइलिंग नहीं है, यानी यहाँ पे डब्ल्यू आर का वैल्यू 0 है। डब्ल्यू आर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव यदि क्लॉकवाइज है तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव, निगेटिव यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो। टी डब्ल्यू शुड इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन दिस, ठीक है। अगर एल के वैल्यू को फिक्स रखना है तो टी डब्ल्यू और डब्ल्यू आर यही आपस में कंपनसेट करते हैं, यदि ये इंक्रीज करता है तो ये डिक्रीज कर जाता है, और ये जो एल के वैल्यू है वो ओवरऑल कॉन्स्टेंट रहता है ड्यूरिंग होल फेनोमेनन। नाउ इफ वी हैव प्लस वन डब्ल्यू आर टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट लिंकिंग नंबर ऑफ 9, टी डब्ल्यू रिड्यूसेस टू 8। दैट इज एल के इजक्वल टू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। यहाँ पर हमने पहले देखा था कि W क्या था, डब्ल्यू आर 0 था, अब क्या हो गया है, ये पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग की वजह से डब्ल्यू आर की वैल्यू 1 हो गई है, और टी डब्ल्यू जो है पहले 9 था जो कि घट के अब 8 हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि क्लॉकवाइज सुपर क्वाइलिंग हुआ है। द डी एन ए बिंग राइट हैंडेड वेन सुपर क्वाइलिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन द ट्विस्ट वैल्यू शुड डिक्रीज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन की वजह से ट्विस्ट वैल्यू डिक्रीज हुआ है, एंड टू कंपनसेट द लिंकिंग नंबर रिथ हैव बीन इंक्रीज्ड। नाउ इफ वी हैव माइनस वन डब्ल्यू आर, यदि ये लेफ्ट हैंडेड फैशन में क्वाइल कर रहे हैं यानी रिथ नंबर डिक्रीज होगा और यहाँ पे लिंकिंग नंबर इंक्रीज होंगे। नाउ एज द डी एन ए बिंग राइट हैंडेड फॉर्म्स अ लेफ्ट हैंडेड रिथ दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, यदि राइट हैंडेड डी एन ए है और उसे हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड में उसे रोटेट करते जा रहे हैं, क्वाइल करते जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्वाइलिंग निगेटिव हो रहा है, इसीलिए लिंकिंग नंबर को कंपनसेट करने के लिए ट्विस्ट नंबर इंक्रीज कर जाएगा। डीएनए टोपोआइसोमरेज, जैसा कि हमने पहले देखा था कि डीएनए टोपोआइसोमरेज लिंकिंग नंबर को चेंज कर देते हैं बाय ब्रेकिंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। डीएनए टोपोआइसोमरेज आर फाउंड इन ऑल सेल टाइप्स, दिस एंजाइम्स एक्ट टू रेगुलेट डीएनए सुपर क्वाइलिंग बाय कैटालाइजिंग द वाइंडिंग एंड अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। They do this by making an incision that breaks the DNA backbone. DNA के backbone को break करते हैं क्योंकि phosphodiester bond backbone में ही present होता है, so they can then pass the DNA strands through one another.
अगर डीएनए के स्ट्रैंड्स ब्रेक हो जाएंगे तो ये डीएनए स्ट्रैंड्स एक दूसरे पे पास कर सकते हैं, श्रिवल कर सकते हैं और इस तरह से रिलैक्सिंग या क्वाइलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और लिंकिंग नंबर चेंज होगा। डीएनए टोपोआइसोमरेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स दे ब्रेक, जैसे हमने बताया था टोपोआइसोमरेज 1 और 2। एटीपी इंडिपेंडेंट जो सिंगल स्ट्रैंड को ब्रेक करने वाले हैं जैसे कि टोपोआइसोमरेज 1, वो एटीपी इंडिपेंडेंट होते हैं एक्सेप्ट फॉर रिवर्स गायरेज, इसको छोड़ के बाकी टाइप 1 वाले एटीपी इंडिपेंडेंट होते हैं। मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स रोटेटिंग द ब्रोकन स्ट्रैंड अराउंड द इंटैक्ट स्ट्रैंड टू रिलैक्स, एक स्ट्रैंड जब कट हो जाता है तो वो रिलैक्स होते हैं, वो दूसरे के ऊपर अनवाइंड कर जाते हैं और इस तरह से लिंकिंग नंबर चेंज हो जाता है। द स्ट्रैंड ऑन द डीएनए हेलिक्स फॉलोड बाय रीसीलिंग द एंड्स ऑफ द ब्रोकन स्ट्रैंड्स, फिर से डीएनए लाइगेज की मदद से उसे रीसील किया जाता है और डीएनए इंटैक्ट फॉर्म में आ जाता है। टोपोआइसोमरेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, इसका रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में दोनों ही जगह पर बहुत ही अच्छा रोल है। टोपोआइसोमरेज 2 जो है ब्रेक्स 2 स्ट्रैंड्स ऑफ ए डीएनए हेलिक्स, ये दोनों स्ट्रैंड्स को ब्रेक करने की कैपेसिटी है ये इसमें। एटीपी डिपेंडेंट फैशन में वर्क करता है। मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स पासिंग एन इंटैक्ट डीएनए हेलिक्स थ्रू द गैप मेड बाय ब्रोकन डीएनए हेलिक्स देन रीसीलिंग द स्ट्रैंड्स, चूंकि इसमें दोनों ही स्ट्रैंड ब्रेक हो गए हैं इसीलिए क्या होगा मैकेनिज्म इसका, पासिंग एन इंटैक्ट डीएनए हेलिक्स, जो इंटैक्ट डीएनए हेलिक्स है वो पास कर जाता है थ्रू द गैप। टाइप 2 टोपोआइसोमरेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रोमोसोम कंडेंसेशन एंड इन द सेग्रीगेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इसका टोपोआइसोमरेज 2 का रोल सेल डिवीजन में भी देखने को मिलता है। जब डॉटर क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो रहा होता है।